मर्यादा मय श्री राम। कौन से राम? जोर से बोलो, मर्यादा मय प्रभु श्री राम। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भारत में एक विरोध उठा एक चौपाई के ऊपर, ढोल गवार सूत्र पर सुनानी, 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 सकल ताड़ नारी विरोधी है। नहीं नहीं नहीं, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरे पागलो, ना तो तुलसीदास जी नारी विरोधी हैं, ना तुलसीदास के प्रभु श्री राम नारी विरोधी हैं। इनसे बड़ा मर्यादित कोई नहीं। इसके कुछ क्रम देखिए, मर्यादा में श्री राम के कुछ चरित्र सुनिएगा। एक चरित्र, पहला, लंका में जब राम जी ने रावण को मार दिया, रात के समय चांद की चांदनी में शिला के ऊपर प्रभु श्री राम बैठे हुए थे, उसी समय पीछे से एक स्त्री की छाया दिखाई पड़ी। उस स्त्री की छाया को देखकर राम सिसक करके खड़े हो गए, सहम गए, और स्त्री की छाया से बचने लगे, कहीं ये छाया हमारे ऊपर ना पड़ जाए। पीछे से आहट देखा, कोई आया है। हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम ने पूछा, मां कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है और कहां से आई हो? इतना सुनते ही पीछे खड़ी हुई वह स्त्री जोर जोर से फवक फवक कर रोने लगी। राम जी ने कहा, क्यों रो रही हो, कौन हो तुम, अपना परिचय तो दीजिए, किस काम से रो रही हो, क्या कारण है रोने का? वह स्त्री रोते रोते कहने लगी, राम मैं अभागनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। ओ, तो तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? अच्छा अच्छा, आज तुम्हारे पति वीरगति को प्राप्त हो गए इसलिए रो रही? बोले, नहीं नहीं महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रही। तो राम जी ने पूछा, पर आप आई क्यों हो इतनी रात को अंधेरे में, यहां क्या करने आई हो? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई हूं कि मेरे पति में और राम में क्या फर्क था। जो विश्व विजेता, मेरा पति विश्व विजेता, जिसके सामने देवता भी ना टिक पाए, जिसके सामने योद्धा भी ना टिक पाए, वह हार गया, उसकी वीर गति हो गई। वो वीर कौन है जिसने मेरे बलवान पति का वध कर डाला? जरा देखूं तो उसमें ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से मेरा पति हार गया। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, मां आपने ऐसा क्या हम में देखा जो तुम्हारे पति से ज्यादा अलग है? पता है क्या बोली मंदोदरी? ध्यान से सुनना भारत के लोगों। मंदोदरी हाथ जोड़कर और चिघारती हुई रोती कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो जो स्त्री की छाया देख करके मां का संबंध जोड़ लेते हो। यही अलग बात, यही अनूठी बात थी। राम इसलिए मेरा पति हारा है और तुम्हारी विजय हुई। मेरे भारत के लोगों, प्रभु श्री राम इतने मर्यादित हैं, इनकी मर्यादा के सामने कोई नहीं टिक पाया।